जय हिंद भाइयों, आज अपने बात करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में जहाँ 90% चक्की चलाने वालों को ये तकलीफ होती है। बहुत बार क्या होता है अपने कि आटा चक्की टंकी करते हैं और जिसके बाद में आटा बारीक नहीं आता है और उसके लिए बहुत लोग परेशान भी होते हैं और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं। और अभी मैं आज आपको टंकी करके दिखाऊंगा और जिसके बाद में आपका बारीक नहीं आ रहा है, तुरंत बारीक नहीं आ रहा है, तो अपने वो क्या करने का, क्या ट्रिक आजमाने का जिससे क्या तुरंत बारीक आ जाए। शुरू करते हैं आज की जानकारी। और आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दिए। ये अपने टंकी आ गई है, इसकी देख लो, अपने 12 नाली बना रखी है और अभी इसमें थोड़ी थोड़ी नाली बनी है। आज अपने टंकी करेंगे इसकी, अगली बार घूमने वाले पत्थर की और इस बार ये पत्थर की करेंगे अपने।
ये अपने पत्थर की टंकाई हो गई है कंप्लीट, देख सकते हैं आप एकदम कंप्लीट है, 12 नाली बने ये कंप्लीट। अभी इसके ऊपर पत्थर के ऊपर अपने लाइन बनाएंगे, वो आपको मैं लाइन बना के फिर दिखा देता हूँ। लाइन अपने इसके लिए बनाते हैं जो क्या दाना कट जाए अच्छी तरह से, और ये अपने टंकाई हो गई है कंप्लीट, देख सकते हैं 12 नाली बनाई है मैंने और इसके ऊपर लाइन बना दी है। लाइन हमेशा आप ज़्यादा बारीक मत बनाइए, क्योंकि ज़्यादा बारीक बनाएंगे तो क्या है कि जब पत्थर घिसे होता है तभी आटे में टूट टूट के फिर कंकर पत्थर आते हैं, या थोड़े मोटे मोटे रहेंगे, थोड़ी साइज की बड़ी रहेगी तो क्या ये टूटेगा नहीं और आटे में नहीं आएगा। आप ज़्यादा बहुत एकदम बारीक 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 बना देंगे तो क्या उसमें क्या अभी पत्थर की पकड़ कम हो जाएगी, मजबूती नहीं रहेगी तो क्या टूट टूट के फिर ये आने की संभावना रहेगी। और ऐसे मोटे रहेंगे तो क्या इसमें क्या दाना फंस के तुरंत टूट जाता है, यहाँ से दाना आता है अंदर तो यहाँ पे टूट जाता है दाना, फिर यहाँ पे आता है पट्टे पे, तो यहाँ पे इतना लेवल नहीं होता और मोटर अपनी 10 के ऊपर भी नहीं जाती है, लोड भी ज़्यादा नहीं लेती है, तुरंत टूट जाती है। क्योंकि अभी यहाँ ऐसा नहीं बनाएंगे तो आटा दाना स्लिप हो गया तुरंत यहाँ आएगा, फिर लोड यहाँ पे लोड ज़्यादा लेगा, इससे अच्छा है यहाँ बना देते हैं अपने। और अभी मैं आपको इसको फिट करके फिर आपको बता देता हूँ कि आटा अपने टंके के बाद तुरंत बारीक नहीं आए तो क्या अपने को ट्रिक करनी है वो समझा देता हूँ मैं आपको। हेलो, अभी आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया था ये लगाने के लिए, नट लगाने के लिए कितनी कितनी आसानी रहती है इसे देख लो, ये पीछे पकड़ने का मैंने बना रखा है किला और इसे आसानी से चढ़ जाता है इसके अंदर, ये देखो ये और ये तुरंत, बस कुछ नहीं करना पड़ा। बाकी बहुत बार क्या होता है कि चढ़ता ही नहीं है अंदर। ये चक्की फिटिंग करके हमने चालू कर दी है, अभी मैं सबसे पहले इसमें बाजरी पीस रहा हूँ। बाकी आपके यहाँ पर अवेलेबल हो तो आप मकई पीसते हो तो सबसे पहले आप मकई डाल दें, 50 किलो मकई डाल देंगे समथिंग, और जिसके बाद बाजरी डालेंगे तो तुरंत बारीक आ जाएगी। अभी अपने बहुत बार क्या है कि बहुत इलाकों में मकई भी नहीं पीसते हैं और बाजरी भी नहीं पीसते हैं, तो अभी आप क्या करेंगे कि आपके पास पीसा हुआ गेहूँ का आटा होता बारीक
उस गेहूं का आटे को आपको एक साइड से गेहूं चलते रहना चाहिए अंदर, और एक साइड से मतलब आपको बारीक वाला आटा वापस अंदर डालने का है, जिससे क्या है कि आटा तुरंत पॉलिश आ जाएगा, एकदम बारीक आ जाएगा। और आपकी मान लो आपने आपने मान लो 10 क्लीनर ले रखा है, तो 10 क्लीनर का आटा एकदम बारीक होता है, तो वो आटा भी आप लेके अंदर डालेंगे तो तुरंत समझ लोगे 500 ग्राम आटा डालेंगे तो उससे क्या तुरंत जाएगा पत्थर पॉलिश पकड़ लेता है। और ये ध्यान रखने का आप अकेला आटा मत डालिए, और उसके साथ में आपको गेहूँ भी चालू रहना चाहिए, जिससे क्या है कि अपना गेहूँ जलेगा नहीं और तुरंत बारीक आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृष्णा द बेस्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जय हिंद।